जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, यहां पर सीमेंट से भरा एक ट्रक खाई में गिर गया है। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत की भी खबर। हादसा दरभा थाना क्षेत्र के धीरम घाट में हुआ। जगदलपुर से सीमेंट भरकर सुकमा जा रहा था यह ट्रक, तभी यह हादसा हुआ। अत्यधिक लोड होने की वजह से यह अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। सभी जो मजदूर थे वो ट्रक में दब गए, सभी शव ट्रक के नीचे से दबे हुए हैं। धरवा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए आशुतोष। आशुतोष, कैसे ये हादसा हुआ और कितने मजदूर इसमें दबे हुए बताए जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, ये जो घटना है दरवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर जो ट्रक थी वो ओवरलोड थी, सीमेंट सुकमा की तरफ ले जाया जा रहा था, जहाँ दरवा घाट में ही अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गई और पलटने के बाद 30 फीट नीचे जाके दब गए, जहाँ पर जो मजदूर वहाँ सवार थे वो मजदूर दब के वहाँ पर लगभग 5 मजदूर की मौत हो गई है और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो ट्रक है उसको निकाला नहीं गया है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और क्रेन लाकर और ट्रक को उठाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, और ट्रक उठाने के बाद ही यहाँ पर और भी 100 निकालने का यहाँ पर आंकड़ा जो है 100 का वो पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही दिख सकती है, जिस तरीके से अधिक मात्रा में माल ले जाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था, इसी कारण ये बड़ी घटना हो गई। जी आशुतोष, वही प्रशासन का क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से मजदूरों के दबने का ये जो मामला खबर जो आई है, इसमें कितने मजदूर बताए जा रहे हैं, क्या मजदूरों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि ये हादसा एक प्रशासन की लापरवाही भी है? जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई प्रशासनिक यहाँ पर बयान नहीं आया है इस तरीके से, और अभी जस्ट खबर चली है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक प्रशासन के तरफ ये खबर नहीं गई होगी, और इसके जानकारी लगते ही प्रशासन कहीं ना कहीं मुआवजा राशि देने की बात करी कि इस तरीके की घटना में मृतक को जरूर परिवारों को मुआवजा राशि दिया जाता है। और बता दें कि जो मालवाहक वाहन है इस पे हमेशा से प्रतिबंधित लगाया जाता है कि मजदूरों को ना बिठाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत होती है, जिसके कारण ये घटना होती है और मजदूरों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के आशुतोष आपको बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी खबर पर नजर बनाए रखेगा।